प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू लैके एक बार फिर तो सारे दे रूबरू हो गए हैं। मैं हाँ नवजीत। हर रोज की तरह खबरों से साथ देने सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी मेरे नाल ने। सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं, फिर करते खबरों से चर्चा। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। शुक्रिया। पन्नू साहब, भगवंत मान के नवे मंत्रीमंडल ने सौं चुक ली है, किवें देखते हैं? क्योंकि कई मंत्रियों चा चढ़िया पिया, कईयों जो नवे मंत्री बने उन्होंने चा चढ़िया, तो चा चढ़ना भी चाहिए जी। जिन्होंने मंत्री बनाता जाए तो आस ना हो, चा चढ़ता ही होंगे, पर कईयों को बुरा भी लगा होगा। जे बुरा ना भी लगा हो तो पासे तो चाबियां लाने वाले, चपातियां लाने वाले तो कहणगे ना, तेरे नाल बहुत माड़ी हुई, तेरे नाल तो बहुत कुछ ज्यादती हो गई। हुण सच्ची गल की है, संविधान ये कहता कि केंद्र सरकार दे विच मंत्री किनू बनाना ते किनू किन्ना चिर रख के कदों कढ़ देना, ये सब प्रधानमंत्री दी मर्जी। सूबयां दे विच किनू मंत्री बनाना, किन्ना चिर रखना, कदों उन्हूं कढ़ देना, ये मुख्यमंत्री दी मर्जी हुंदी है जी। मुख्यमंत्री इस वेले भगवंत मान है, उहदी मर्जी है, ये है संविधानिक पोजीशन। दूजी हुंदी है कि पार्टी दे विच आपस विच मिल के चलिया जाए। मिल के चलन के पक्ष तो कई बारी ये होंदा कि धड़े ते धिरां सारे राजी रखने, कई बारी ये होंदा कि सरकार समूथली चलाउणी है, मतभेद ना हो। कई बारी ये वेखना पैंदा कि जे आपां किसानी किते बारे मंत्री बनाउणा होवे, इक्को वक्त चार जां पंज सियाणे होण ते चार पंज खेती मंत्री तां बनाए नहीं जा सकदे, बनाउणा तां इक्को हन जी। उन्हां चों इक चुनना हुंदा। खजाना मंत्री बनाना तीन या चार सियाने बंदे है, वो तिने चारे समझते हैं कि यह मैं ही बनना चाहिए, पर उन्हें बनूगा तो एक। औरतों ते बाल भलाई वास्ते मंत्री बनाना आम तौर पर बीबिया में महकमा दिता जाता। जे बीबिया पांच छे होण ते सारियां काबिल होण, किसी कोल राजनीतिक पक्ष तो तजर्बा हो, किसी तो प्रशासनिक पक्ष तो तजर्बा हो, तो पांच छे मंत्री तो बना नहीं सकते, बनाना तो इक्को है। बिल्कुल। फिर एक बनाना केड़ा? ट्रेड यूनियन का काम लेबर का तो इंडस्ट्री का, ये काम बड़े जिम्मेवारी दे। किरत ते रोजगार का महकमा वखरा, सनत का इंडस्ट्री का महकमा वखरा, उन्होंने कितना बनाना, उत्थे कौन बनाया जाए, ये उत्ते भी कई सियाणे उन्होंने कोल हो सकते। इन्हें सियाणियां नूं सारिआं नूं एडजस्ट करना, फिर यह भी वेखना पैंदा पंजाब दीआं वख-वख नुकरां। जदों वख-वख नुकरां वेखीआं जांदीआं, कल एक ने कहता जी फलाने 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 जिले रह गए। मैं आखिआ ओह जमाना गया, जदों पंजाब च पहलां 11 जिले हुंदे सी, फिर फरीदकोट बणिआ ते 12 होए, ते मंत्रियां दी खुली छुट्टी सी। सरजीत साहब बरनाले ने 42 मंत्री बनाते सी, ते हरचरण साहब बराड़ ने 46 बनाते सी। हुण तां वाजपेयी सरकार एक बैरीयर ला गई है कि विधान सभा के मैंबरों की जिनी गिणती है 15% तो वध तुसीं मंत्री नहीं बना सकते। तो जे बना नहीं सकते तो फिर 25 जिले होण ते 15 मंत्री 17 तुसीं बना सकते हैं। हर जिले नूं तुसीं किदां दे सकदे मंत्री? तो हो नहीं सकता जी। ये भी पक्ष वेखना पैंदा, ये सारियां गल्लां वेखणियां पैंदियां। रह गई गल एक फलाने फलाने सीनियर से, उन्हां सीनियर्स दे विचों अमन अरोड़ा का हुणे बयान आया। उन्हें आखिया जी मैं पार्टी का सिपाही हाँ, पार्टी जो कुछ सोचती है मैं उसकी नीतियों नाल बद्धा होया, पार्टी लिए सेवा की है, पार्टी लिए सेवा करूँगा। इत्थे सीनियर यूनियर का सवाल कोई नहीं, असी पार्टी के नाल। प्रोफैसर बलजिंदर कौर तलवंडी साहब वो तो बहुत सीनियर है, उन्हें भी आख्या कहीं जी ये की मुख्यमंत्री ने बनाना सी बना लिया, पार्टी ने जो ठीक समझा करता, पर मैं तो पार्टी के नाल है ना, मंत्री के उहदे नाल तो मैं है नहीं, मैं वजीरी नाल नहीं, मैं पार्टी नाल है। जो पार्टी ने करता वो ठीक है, तो असीं पार्टी नाल रवांगे जी। मेरा ख्याल इस मामले दे विच एक मिसाल होर चंगी है, वो एक एक कुड़ी हुण मैनूं उहदा नाम भुल गया, पहली बार जित्ती है। इत्थे कई पहली बार जित्ते भी हुणे आखी जांदे आ कि सानूं मंत्री बनाता जाए, तो उन्हां चों कुछ बण भी गया, सारे बण नहीं सकदे। मैं इहो जे 2-3 जणा जानदा जिन्होंने खिलाफ़ किन्ने किन्ने केस चलते हैं, वो पर चांस बन गए तो नाल सलाह करते फिरते, खास करके अफसरों सलाह कर रहे हैं कि जे असीं मंत्री बन जाइए तो मंत्री सानूं महकमा कढ़ा लेना चाहिए। वो हुण इत्थे नहीं आए, हो सकदा अंदर ही अंदर औखे होण। पर कुड़ी पहली बार चुनी गई, उन्होंने पत्रकारों की टीम ने ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। फिर ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ आख्या ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ आख्या जी ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਝਾਕ ਹੋਊਗੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ आख्या? ਕਹਿੰਦੇ मैं तो टिकट भी नहीं सी ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ तो ਝਾਕ भी नहीं सी कि ਮੈਨੂੰ कोई ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣ वास्ते टिकट ਦੇਊਗਾ। पार्टी ने ਸੱਦ ਕੇ आख्या ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਚੋਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ। मैं आख्या लड़ ਲੈਣੀ। फिर वो ਕਹਿੰਦੀ मेरे सामने एक ਮੰਤਰੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝਾਕ ही नहीं सी मैं ਜਿੱਤੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। वोटा पाती मैंने जिताता, मैं जित गई हाँ। तो मेरी अजे कोई तमा खत्म नहीं हुई। मैं हुण वजीरी वास्ते भी आखी जावां, मैं बगैर झाक तो मैं टिकट मिल गई, मैनू बगैर आस तो लोगों ने जिताता। तो अजे भी मैं हुण गांह छड़प्पे मारी जावां, ये तो नहीं ठीक लगता जी। जिहड़े दो जने पिछली बारी 20 जित्तियां चों सीगे ते पार्टी बदल के कांग्रेस वालों इस वारी लड़े आ, उन्हां दोवां तो पुछो उन्हां दा की हाल होया। इहदा मतलब कि बंदियां दे निजी शख्सियत दे नाल-नाल एक चीज़ पार्टी का असर भी मनना चाहिए। जित पार्टी की हुई है ना, सारे ने आख्या जी असी पार्टी के नाल हैं, तो जिन्हें आख्या असी पार्टी के नाल हैं तो मेरा ख्याल इन्हों के इस कहे का सत्कार करना चाहिए। मुख्यमंत्री का हक से इन्हें मंत्री बना ले, पार्टी ठीक ठाक चले। जे ठीक ना चलनगे आपे जिहड़े बाकी रह गए उन्हां च होर नवें बनाउणगे ते समा आएगा, देखा जाएगा। पर साहब एक गल होर समझाओ, बहुत सारे लोग है जिन्हां ने सरकार तो कोई ना कोई उम्मीद पहले ही लगा ली सीगी। तुहानूं की लगदा कि सरकार नूं किहड़े काम करने चाहिए ते लोग जिहड़े है उन्हां ने पहले सोच के रखिया सी हाँ भाई जेकर सरकार बन गई असीं पहल करनी है कि सरकार आ काम करे। जिहड़े काम सरकार दे करन वाले उन्हां चों पहला मैनूं नहीं पता कि गृह मंत्रालय किसी मंत्री नूं देण कि मुख्यमंत्री अपने को रखे। आम तौर पर मुख्यमंत्री अपने को रखते जी, सद के उस वे अफसरों को कह देना चाहिए कि आ जो ड्रग पिंड पिंड जाके विकती पई है ना, ये रोक लगनी चाहिए जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आख्या मैं 2 महीनों च रोक दूँ, रोकी नहीं क्योंकि रोकने का इरादा नहीं सी। भगवंत मान का जो इरादा तो अफसरों सद के कह दे कि तुहानू सब पता कौन कौन बंदे ढिल दिंदे आ, तुसीं वड्डे अफसर हेठलियां बारे जानते जी। हेठले जिहड़े ढिल दिंदे आ उन्हां नूं वेचण वालियां दा पता, अपने हेठले अफसरां नूं खिच दिओ कि मैं बर्दाश्त नहीं करना। इन्नियां दिनां दे अंदर अंदर एक कारोबार ठप्प होया चाहिदा, भड़क तो ही इस काम नूं रोक लगनी शुरू हो जाएगी। तीसरी गल बेअदबी ते होर केसां दे मामले जिहड़े आ उन्हां संबंधी इमीडिएटली एक विशेष टीम बनाती जाए, जाँच करने वास्ते नहीं। जिहड़ियां जाँच पड़तालां होईयां उन्हां दी रिपोर्टां चों एक सांझी रिपोर्ट लभ के अदालतां च केसां दी पैरवी ते सजावां दिवाउण दा काम। पर एक काम बहुत वड्डा भगवंत मान दी सरकार दे सिर ते आउंदे सार पैना, वो ये है कि मार्च दी अज कितनी तरीक हो गई है 19 नहीं जी, 12 दिन रह गए। अप्रैल चढ़दे ही पहले हफ्ते चों कणक आउणी शुरू हो जानी। कणक दी खरीद दा काम बहुत वड्डा काम हुंदा जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਢੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨਗੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। उन्हां वास्ते पैसे का प्रबंध करना पैना। पिछली सरकार दे वेले जो चंगा होया सी उन्होंने अगे वधाउणा पैना, जो पिछली सरकार दे वेले माड़ा होया सी जां हुंदा रहा सी पिछलियां कई सरकारां दे वेले तों, वो सारा रोकना पैना जी। जिहड़े चोर मगोरे आ जिथे इत्थे बैठे अफसर हर काम करन तों पहलां सरवार ना भालदे आ, वो सरवार ने रोकणे पैणे। ये बहुत वड्डा काम है। नौजवानों को आख्या असी तो नौकरियां देंगे, नौकरियां दी तो अजे गल चलती पई, कहते भी छेती शुरुआत कर देन लगे। हो सकता अज नहीं तो भलके हो जे, ये भी हो सकता साढ़े इतने प्रोग्राम करदे हो जे, मैनूं नहीं पता कदों होनी, अज होनी भलके होनी कदों होनी। पर जदों भी हुंदी है नौजवानों की झाक है कि सानूं नौकरियां मिलन, उहदे वास्ते भी वेले सिर काम शुरू करना चाहिए। टैक्स चोरी बंद करनी चाहिए, थले तक सारिआं नूं कह दित्ता जाए कि पोस्टां असीं भरांगे काम करो। जिहड़ी टैक्सां दी चोरी करवा के हेठले पद्धर ते अपनियां जेबां भरीआं जा रहीआं रोक दिओ। सरकार बनी अजे 2 दिन होए। 16 नूं सरकार बनी, परसों विधायकों ने सौं चुकी, कल का दिन लंघिया, अज मंत्रियों ने सौं चुक ली है। पंजाब दे विच अड्ड-अड्ड थावां तो सानूं फोटो आ रही ने WhatsApp ते, दफ्तरां 'च लिख के बोर्ड लाते गए इस दफ्तर में रिश्वत लेना तो रिश्वत देना दोवें जुर्म है, जिस किसी ने रिश्वत की पेशकश की उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये तो शुरुआत है जी। जे इस तरह होने लग पिया, इस प्रक्रिया को अगे बढ़ाना चाहिए। जिथे जिथे वड्डे चोर कुछ पहला रिश्वत में फड़े गए, वो जेल गए, सस्पेंड किए गए, पुराने कांग्रेसी मंत्रियों ने मिल के केस पेंडिंग रख के बहाल होकर आके कुर्सियां ते बैठ गए, उन्होंने कुर्सियां तो ठा देना चाहिए। जे इन्होंने ना ठाया तो लोग ठा देंगे। जिहड़े पासे नूं हालात जाते हैं उहदे च इस सरकार नूं काफ़ी सारे काम करने पैने, बड़ी तेज़ी नाल चलना पैना। एक काम होर करना पैना, वो कि अपने विधायकों नूं कह दिओ निजमां कानूनां दा ख्याल रखण। वो दफ्तरां 'च जा सकदे, जाके कहण जी असीं समझण आए हां तुहाडी की समस्या, लोग तुहाडे बारे आ कहंदे आ, हम की तुम की आ कर दूंगा, कर दूं, साडी सरकार आ गई है। एक MLA दा भरा ही लोग उत्थे जाके सारे दबके मारदा, तुहानूं पता नहीं मेरा भरा MLA, तेरा भरा MLA ते MLA के सिर ते सिंग उग पे तो ढिड मार देंगा, किसी का ढिड पाड़ देंगा जी। इहो जिहा सारा रोक देना चाहिए और सारे सद के कह देना चाहिए कि तुसीं MLA बने आ, तुहाडा सारा टब्बर नहीं बन गया। जे सारा टब्बर बनने वाली गल हुंदी तो फिर तो चरणजीत सिंह चन्नी की साली का मुंडा वो अपनी गड्डी ते MLA लिखी फिरता सी, फिर तो वह भी जायज़ हो जाऊगा जी। इन्हों कह दो कि तुसीं MLA बने आ, तुसीं विधायक बने आ, तुहाडा टब्बर नहीं बनया, तुहाडे टब्बर के किसी जी ने जाके इहो जी खरमस्ती की, दफ्तर जाके चैकिंग की, किसी ने हमकी की, मुकदमा उत्ते भी बनेगा, आपे गैर कानूनी काम रोक जाएंगे। नहीं पंच साहब, ये गल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई दबके मारन लग पे, दूसरे पासे लोगों ने फिर कहण लग पैना फर्क की रहा पिछली सरकार ते। बिल्कुल रोकना चाहिए जी। पंच साहब, श्रोमणी अकाली दल की गल जरूर करनी है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल बंदे बड़े भरोसा करते हैं। हुण कुछ क पहला आवाज़ां उठिया सीगियां कि उन्हां दे खिलाफ है काम, पर कुछ लोग यकीन करते पे है। सच्चाई की है, विश्वास कित्थे करिए? देखो, उहदे ते पार्टी दीआं दोवां मीटिंगां 'च जिहड़ी मीटिंग उन्हां दी होई कोर कमेटी दी, उहदे विच भी जिहड़ी मीटिंग होई जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ, उहदे विच भी रिपोर्टां हुण बाहर आ चुकियां ने कि अंदर वड्डे लीडरां ने सारिਆਂ ने सुखबीर सिंह बादल दी पहली वार है कि इन्नी क झाड़ झंब कीती है जिन्होंने लाहौरियां दी बोली च खड़कंती कहिंदे। इत्थों तक गए उन्हें एक अकलमंदी की कि पंजाब मशहूर हुंदा सी बराते जान लग्या बापू नूं संदूक च पा के लै गए। संदूक च पाउण दी लोड़ नहीं, सतकार साहिब सिंह 300 किलोमीटर दूर लंबी तो चंडीगढ़ लेके गया बापू जी नूं नाल, पे तुसीं जरूर चलो, नहीं तो अज ग्रह बड़े भारू है जी। जदों सारे जने बहुत गुस्से में सी, उदों फिर बापू ने आख्या दो ही गल्लां, जां ते मेरी सारी कीती सेवा दा ध्यान रखो, इहदे हक च भरोसा प्रगट करन दा मता पास कर दिओ, जां फिर सानूं कह दिओ कि असीं घर जाके बह जाइए। उत्थे फिर बाकियां दे विचों कुछ बंदे पसीज गए, चलो कर दिओ मता। पर जो उत्थे होया उहनूं सारे नूं लिखा के अकाली दल दे जिहड़े भी बंदे ने मता लिखिया, ड्राफ्ट कीता, ये गल हुण बाहर प्रैस च आ चुकी है कि उन्हें मीटिंग दी भावना तो बिल्कुल उल्ट जाके बाहर जाके मता ड्राफ्ट किया। उन्हां अखबारों ने भी ये गल लिख दी है जिन्हां ने कदे बादल परिवार के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, उन्होंने भी लिखता कि जहेदारां की मीटिंग में भी जहेदार टुट टुट के पाया, पर मता होर पेड़ा आके पेश किया गया। ये आखिर कौन है उत्थे बंदा जिहड़ा अजे भी पार्टी लीडरां की सारी जिहड़ी हैगी आ जानकारी, उन्हां दी भावना, उहदे उल्ट इहो जिहे मते बना के बाहर पेश कर रहा? पता लगना चाहिए आखिर कोई तो हैगा जिहड़ा इहो जिहे माहौल दे विच भी सच्चाई नूं सामने नहीं आउण देना चाहुंदा, जिहड़ा इहो जिहा सलाहकार होवे, इहो जिहा कोई अहुदेदार होवे, जिहड़ा इहो जिहा कोई मते ड्राफ्ट करन वाला होवे। जो इस तरह करता रहा तो इस मीटिंग तो अगली मीटिंग दे विच झाड़ झंब उहदी भी हो जानी है। उन्होंने अपने वास्ते थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। बहुत बुरे हालात ने अकाली पार्टी च, कई लोग बड़े इस वे खिजे पे आ, फोन तो साढ़े भी कई गल होंदी है, ये संभल के चलाने की लड़ है सर। की पता अगली मीटिंग में बड़े बादल साहब ना जान, क्योंकि मिठिया गोलियां हर बार थोड़ी दे होंगी। पंनू साहब, दूसरे पास पंनू साहब जेकर गल की जाए पाकिस्तान की गल करनी जरूर बनती है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का विरोध बहुत हो रहा है। हुण चर्चा चलती पई है उत्थे कुछ पार्लीमेंट मैंबर है सिंध हाउस में उन्होंने हमला किया, ये किन्नी क सच्चाई है, कहानी की है? पार्लीमेंट मैंबर ने असल च सिंध हाउस में हमला नहीं किया, वो खबर जी गलत ढंग नाल पेश की जा रही है। इमरान खान की सरकार को बहुत सम्मति है पार्लीमेंट च, पर तां जे पार्टी इकट्ठी रहे, जे इस पार्टी चो 10 बंदे भी टुट के तो विरोधी धिर नाल रल जाण तो सरकार डिगदी पई है। हुण होया ये है कि 10 नहीं इहदे 20 बंदे टुट के दूसरे पासे सिंध हाउस में चले गए। सिंध हाउस के उत्ते आपोजिशन का कब्जा जी, वो उत्थे बैठ के अपनी पार्टी दे अपने प्रधानमंत्री इमरान खान दे खिलाफ प्रचार का हिस्सा ने। तो कहते जब तक भरोसे का वोट उत्थे वोटां नहीं पैंदियां, जब तक इमरान खान नूं कुर्सी तो नहीं उठाया जाता, असी उन्ना चिर तक इत्थों निकलना नहीं, क्योंकि इमरान खान की सरकार उन्होंने चुकवा सकती है, केस बनवा सकती है। इस गल का करके नहीं बाहर निकलते पे। हुण इमरान खान ने 3 दिन पहले एक धमकी दे दी सी, पाकिस्तानी पंजाब दे एक थां जलसे च बोलता पिया सी, धमकी उन्हें अफगानिस्तान में भी देती। हालांकि अफगानिस्तान में बड़े पुराने संबंध से, उत्थे तालिबान राज करते हैं, तालिबान तो पाकिस्तान को अपना नानका पिंड समझते हैं, इन्हें उन्होंने धमकी देती, धमकी ने अमरीका ने भी देती। पर सब तो वड्डी धमकी इमरान खान ने अपने देश के लोगों को, अपने देश दी विरोधी पार्टियां नूं, खास करके जिहड़ियां विरोधी पार्टियां उहदे खिलाफ बेभरोसगी दा मता लिआंदा, उन्हां नूं धमकी देती। कहता कोई गल नहीं, तुसीं जो करना करी जाओ, मैनूं किसी दी कोई चिंता नहीं, फौज मेरे नाल है। भी राज तों पार्लीमेंट की बहु गिणती के सिर ते करना कि फौज के सिर ते करना जी। ये पहला प्रधानमंत्री है जिहड़ा कहंदा मैनूं किसी की कोई चिंता नहीं क्योंकि फौज मेरे नाल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ क्योंकि उन्होंने मूँह में लहू लग चुका, इस करके लगातार सरकार के उत्ते कब्जा रखना चाहते हैं। एक कठपुतली उत्थे बिठा के प्रधानमंत्री बना के उत्तों काम करवाना चाहते हैं। इस करके इन्होंने बेनजीर भुट्टो के पति ने भी राष्ट्रपति बना के 5 साल कढ़ लए सन, जिहड़े नवाज़ शरीफ नूं आप उन्होंने कुर्सी तो लाया सी। उस नवाज़ शरीफ नाल समझौता करके ते उन्हूं 5 साल राज करन दा मौका दिता। जदों थोड़ा जिहा अखां विखाउण लगा तो नैशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जिहड़ा भ्रिष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करता, उन्होंने चाबी ला के ते नवाज़ शरीफ के खिलाफ केस बनवाते, जेल घलता, भरा भी जेल घलता, वो धी भी जेल घल दी, मुंडिया भी घलना सी, मुंडे उतो पहले लंडन भज गए। ये सारा कुछ उत्थों की फौज करती है। इस वे जो इमरान खान ने दबका मारिया कि तुसीं तैयार हो जाओ, जे तुसीं इदां करोगे तो फौज मेरे नाल है। फौज मेरे नाल दा मतलब ये कि जां तां मैं जान लगा फौजी राज लवा जूँगा, जां फिर फौज नूं कह के इत्थे मार्शल ला लवाऊँगा, प्रधानमंत्री रह मैं रहूँ तो तुहानूं सारिआं नूं कुट कुट के तो सिखा पिछे ताड़ूंगा। आ जिहड़ा उन्हें दबका मारिया, उस दबके तो बाद जिथे सिंध हाउस विरोधी धिर के पार्लीमेंट मैंबर लुके है, इमरान खान की अपनी पार्टी के भी मैंबर जाके लुक गए। उत्थे पार्लीमेंट मैंबर ने हमला नहीं किया, इमरान खान की पार्टी के समर्थकों की भीड़ गई है जी, उन्होंने जाके सिंध हाउस हमला किया। इस गल वास्ते कि उतों भी पार्लीमेंट मैंबर कढ़े जाण, कढ़ के ते इमरान खान के चरनां 'च सुटे जाण, तेनों आखा जाए तू बनया रहा प्रधानमंत्री, तेन कोई चिंता नहीं क्योंकि फौज तेरे नाल है। वो एक इन्होंने साजिश की सी, एक बारी बचाव हो गया, अगों होंदा कि नहीं समा दसेगा। वो भी पन्नू साहब 4 साल औखे टपदे उत्थे जिहड़ा प्रधानमंत्री बनता, बाकी देखो की बनता। असीं कांग्रेस की गल जरूर करनी है। पंजाब दे विच कांग्रेस के किस तरह के हालात है ये सब नूं पता है, हर रोज़ एक दूसरे उपर दोष लगता है। उधर पन्नू साहब एक G-23 ग्रुप सीगा, वो कांग्रेस तो रुसिया सी। हुण एक पासे बीबी सोनिया गांधी मुलाकात कर रहे उस ग्रुप के नाल, दूसरे पासे राहुल गांधी ने मोर्चा सांभिया। ये की गल है, याद आ गया कि कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है। हुण जिहड़ा G-23 ग्रुप है, वो ग्रुप कांग्रेस के सीनियर लीडर दा जी, तो सारे सोनिया गांधी के जवाक नालों, राहुल गांधी नालों सीनियर ने। वो समझदे असीं कांग्रेस पार्टी दे विच राजनीति करना है जी, राजनीति मतलब राज दे विच अगे वधना भी हुंदा। वो सोनिया गांधी दे जवाकां नूं खिडाउण वास्ते नहीं सी आई। ये बीबी अपने पुत्त तो ते धी तो वध किसी अगले पासे किसी नूं वेखदी नहीं। हुण जदों पता कि पुत्त इन्नी जोगा नहीं कि पार्टी नूं किसी पार ला सके, चोणां इत्थे भारत दे किसी सूबे च हुंदियां, उठ के थाईलैंड नूं तुर गया। यूपी चोणां हुंदियां सी, उठ के उत्थों निकल के ते शिमले चला गया। मेरी भैन ने नवा मकान बनाया तो मैं वेखण चला, वेखण गया, 5 दिन उत्थे छुट्टियां करके बैठा रहा। ये सारे समझते हैं कि वो पार्टी की अगवाई करने वास्ते ना सीरीयस है, ना ये समर्थ है। इस करके उस मुंडे नूं पासे ना किया गया तो पार्टी रुल जाएगी। वो एक तरीके नाल सोनिया गांधी नूं बार बार चेतावनियां दिंदे सी, सोनिया गांधी नहीं समझ सकी। हुण कल फिर मीटिंग की, उस तो बाद सोनिया गांधी ते बाहरले कांग्रसियां 23 वाले ग्रुप के विचों सब तो सीनियर लीडर गिणिया जाता गुलाम नबी आजाद। उन्होंने दोवां दी आपों च मीटिंग हुई है। जे कोई ये समझे कि सोनिया गांधी ने सद लिया, उत्थे बैठ गए, चाह पानी पी लिया तो इन्नी गल तो सहमत हो जो एडी छेती सहमत होने वाला नहीं जी। वो उत्थे भी अंदर जरूर अड़िया होगा, भावें बाहर आके उन्हें गल कोई नहीं दसी। जे इस तरह का अंदरला टकराव इस तरह चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप सोनिया गांधी ने जां तां आप भी छड्डनी पऊ, अपने पुत्र ते धी तो भी छडाउणी पऊ, तो जां फिर यह होगा कि पुत्र ते धी नूं लैके बैठी रहेगी। 38 का ग्रुप है, जे एक एक करके निकलण दे बजाय वो सारे इकट्ठे लै गए तो फिर जो कबूतर जाल लैके उड़ गए सी, ये भी जाल लेके उड़ जाएंगे। कांग्रेस का एक लैटर पैड तो एक मोहर ये रह जाएगी बीबी को, बाकी कांग्रेस सारी बाहर निकल जानी। और 2-4 जने बैठे लाई जान जंजल लाउणियां। फिर पन्नू साहब तुसीं खबरां ते चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रोग्राम नूं इत्थे समाप्त करन दा वेला आ गया। हुण मैनूं नवजीत नूं दिओ इजाजत। देखते रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना, तुहाडे लिए।